आपके श्रीवास्तव और आप देख रहे टारगेट इलेक्ट्रीशियन। दोस्तों, जो टेक्निकल के क्वेश्चन की जो मैं सीरीज शुरू की है उसमें पहला वीडियो डालने के बाद ये तो मेरा दूसरा वीडियो है दोस्तों। थोड़ा वीडियो डालने में थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों, अब लगभग मैं प्रयास करूँगा कि वीडियो में कोई देरी ना हो और वीडियो में मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं कंटेंट मैटर में कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको, थोड़ा वीडियो मान लीजिए 15 मिनट का 20 मिनट का भी वीडियो हो सकता है मेरा, तो दोस्तों घबराइएगा नहीं, और ताकि एक ही वीडियो में आपको मैक्सिमम चीज़ें मिल पाएँ। तो दोस्तों ये है, मैं ऐसा भी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप पूरा का पूरा वीडियो देखिए, पूरा मैटर पढ़िए। इसमें कुछ जो वीडियो में जो कुछ मेरे क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, एक ही लाइन में आंसर होगा, मतलब क्वेश्चन भी होगा उसी लाइन में उसका आंसर भी होगा, वन लाइनर क्वेश्चन भी होगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन उसके क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत झटके के पश्चात कृत्रिम श्वास क्रिया की निम्न में से किस विधि में रोगी की छाती के बल जमीन पर, रोगी को छाती के बल जमीन पर लिटाया जाता है। आंसर होगा इसका ए, सैफर विधि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार की सुरक्षा संकेत में बनाई जाती है। आंसर होगा इसका दोस्तों ए, निषेधात्मक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अग्निशामक यंत्र है। आंसर होगा इसका दोस्तों सी, कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त जो होगा वो CTC। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है, इसका आंसर होगा दोस्तों सी, मुंह से मुंह में सांस देना। अगला क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए, इसका आंसर होगा ए, मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, सबसे पहले मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वैद्युतिक कार्यशालाओं में अग्निशमक हेतु, आंसर होगा इसका डी, उपरोक्त तीनों वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए, मतलब अग्निशमक यंत्र उपलब्ध रहने चाहिए, रेत से भरी बाल्टियां उपलब्ध होनी चाहिए, जल की व्यवस्था हेतु जल से भरे ओवरहेड टंकी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत उपकरणों और ऐसे आग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार की अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। आंसर होगा इसका बी, हेलान प्रकार का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें, बिजली से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा इसका दोस्तों ए, हेलान से अग्निशामक। अब ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग ख़त्म हो गए, अब वन लाइनर क्वेश्चन जो है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ, जो वन लाइनर क्वेश्चन है आइए उसको भी देख लेते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन में दोस्तों आइए देखते हैं, लाल रंग का बॉर्डर तथा लाल रंग की क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा संकेत में बनाई जाती है। आंसर हो इसका होगा निषेधात्मक। अगला है दोस्तों, विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रयोग के लिए प्रयोग किए जाने वाला अग्निशामक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगला है दोस्तों, कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि है, मुंह से मुंह में सांस देना। अगला है, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए मेन स्विच को सबसे पहले ऑफ कर देना चाहिए। अगला है, विद्युत उपकरणों और ऐसे भाग वाले प्रतिष्ठानों में किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं, हेलान प्रकार का। अगला है, विद्युतात्मक तार से संपर्क होने पर एक व्यक्ति को झटका लगा व्यक्ति
फेंक दिया जाएगा या विद्युतात्मक तार के संपर्क में रहेगा। विद्युतात्मक तार के संपर्क में आए व्यक्ति के बचाव के लिए आप क्या प्रथम कदम उठाएंगे? आंसर होगा इसका दोस्तों, उसे विद्युतात्मक तार से पृथक, सबसे पहले विद्युतात्मक तार से पृथक करेंगे। अगला है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला है दोस्तों, सामान्य हीटर का एलिमेंट प्रायः किस प्रकार का बना होता है? आंसर होगा इसका दोस्तों, गोलाकार का बना होता है। अगला है, इलेक्ट्रिक आयरन का सोल प्लेट, इलेक्ट्रिक आयरन का सोल प्लेट किसका बना होता है? आंसर होगा कास्ट आयरन का। सोल प्लेट मतलब नीचे वाला, जहां से हम प्रेस करते हैं। अगला है दोस्तों, इलेक्ट्रिक आयरन का एलिमेंट किसका बना होता है? रिबन नाइक्रोम का। अगला है दोस्तों, लकड़ी या प्लास्टिक का कौन बना होता है हैंडल? अगला है, तरल पदार्थ को गर्म करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इलेक्ट्रिक केतली का। अगला है, सोल्डरिंग आयरन के दो एलिमेंट को कैसे जोड़ा जाता है? सीरीज द्वारा जोड़ा जाता है। अगला है, नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? इसमें होगा 80% निकिल तथा 20% क्रोमियम। अगला है, नाइक्रोम की तार का गलनांक क्या होता है? आंसर होगा 13,080 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है दोस्तों, नाइक्रोम की तार का तापीय प्रसार गुणांक क्या होता है? आंसर होगा 0.00017 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है दोस्तों, घरेलू रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर होगा वाष्प कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर काम करता है। अगला है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में उपयुक्त रेफ्रिजरेंट कौन होता है? फ्रियॉन होती है, जो आक्रियाशील गैस है। अगला है दोस्तों, आधुनिक घरेलू रेफ्रिजरेटरों में एक्सपेंशन वाल्व को किससे बदला जाता है? आंसर होगा कैपेलरी ट्यूब। अगला है, घरेलू रेफ्रिजरेटरों का कंडेंसर कैसे लगा होता है? आंसर होगा रेफ्रिजरेटर के पीछे। अगला है दोस्तों, एवापोरेटर में प्रवेश करने वाला द्रव रेफ्रिजरेंट किस पर होता है? आंसर होगा निम्न दाब और तापमान दोनों पर। अगला है दोस्तों, किसके कारण मोटर चलते समय गर्म हो जाती है? आंसर होगा निम्न वोल्टेज। अगला है दोस्तों, किसके कारण मोटर धीमी चलती है? आंसर होगा मोटर ओवरलोड होने पर धीमी चलती है। अगला है दोस्तों, मोटर चलती है परंतु कूलिंग अपर्याप्त होती है? आंसर होगा रेफ्रिजरेंट गैस कम होने के कारण। अगला है दोस्तों, किसके कारण काम करते समय कंप्रेसर बहुत अधिक शोर करता है? आंसर होगा माउंटिंग बोल्ट ढीला होने के कारण। अगला है, मोटर चलती रहती है चाहे रेफ्रिजरेटर के अंदर तापमान निम्न हो, इसका क्या कारण है? आंसर होगा थर्मोस्टेट में दोष। दोस्तों ये कुछ रेफ्रिजरेटर के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो उसको मैंने बता दिया। अगला है दोस्तों, विद्युत मशीनों के ब्रश बने होते हैं कार्बन के। अगला है, डीसी को रोकने वाला एवं एसी को प्रवाहित होने देने वाले विद्युत उपकरण को क्या कहते हैं? आंसर होगा कैपेसिटर। अगला है, बेंच वाइस का आकार व्यक्त किया जाता है? आंसर होगा जबड़ों की चौड़ाई से। अगला है, डिवाइडर का आकार व्यक्त किया जाता है? आंसर होगा चूल एवं बिंदु के बीच की दूरी से। अगला है, हाई स्पीड स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.75 से 1% तक। अगला है, ड्रिलिंग कटिंग एवं संक्रियाओं में शीतक का प्रयोग किया जाता है?
आंसर होगा कटिंग टूल तथा चाप, दोनों को ठंडा करने के लिए। अगला है दोस्तों, किस छिद्र में चूड़ियां काटने के लिए टैप को दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने के बाद आधा चक्कर बामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाता है। इसलिए घुमाया जाता है क्योंकि धातु की चिप्स टूट जाए, मतलब अंदर जो चूड़ी बनेगी वो टूट जाए। हथौड़े का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है, पीन के आकार एवं तौल के आधार पर, मतलब जो उसका नुकीलापन है वो उसके आधार पर किया जाता है। हेक्सा ब्लेड की लंबाई नापी जाती है दोनों पिन होल्स के केंद्रों के बीच की दूरी से, मतलब एक पिन यहाँ दोनों के बीच के केंद्रक मतलब इसके सेंटर पॉइंट से लेकर के इसके सेंटर पॉइंट के बीच की दूरी को नापा जाता है। फाइल की लंबाई नापी जाती है पॉइंट के हील तक। अगला है चीजल निर्माण में प्रयुक्त धातु है हाई कार्बन स्टील। अगला है उपयोग के पश्चात रेती तथा हेक्सा को ब्रश से साफ करके रखना चाहिए। अगला है बरसात के दिनों में औजार को जंग से बचाने के लिए उन पर मोबिल आयल तथा ग्रीस का महीन लेप लगा दिया जाता है। हेक्सा ब्लेड तथा कारपेंटर सा ब्लेड की दांतों की सेटिंग करने का मुख्य कारण है, आंसर होगा कटिंग के समय घर्षण को कम करना। अगला है स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है फीलर गेज। अगला है दोस्तों, छोटे तार और केबल को जब वे टर्मिनल के बहुत समीप होते हैं काटने के लिए जिस टूल का प्रयोग करते हैं वह कहलाता है तिरछा काट प्लायर। अगला है दोस्तों, ये देखते हैं ये क्वेश्चन, गुनिया के कई प्रयोग हैं, गुनिया से कौन सा काम नहीं किया जा सकता, आंसर है पृष्ठ और सपाटता की जांच। अगला है बार बार में प्रयोग की जाने वाली धातु है कठोर खींचा तांबा। अगला है दोस्तों, ये देखिए 7/20 केबल का अर्थ है, आंसर होगा 7 SWG मतलब 7 उसका गेज है, स्टैंडर्ड वायर गेज है के 7 तार मतलब SWG का ये मतलब हुआ। अगला है दोस्तों, कौन सा पदार्थ अचालक नहीं है, कार्बन। अगला है मध्यम वोल्टेज क्रेल केबल की अधिकतम सहनीय वोल्टेज होती है 650 वोल्ट। अगला है दोस्तों, बंद अतिधारा बचाव द्वारा परिपथ के लिए केबल में आवश्यक धारा प्राप्त करने के लिए सामान्य धारा वहन क्षमता के रेटिंग फैक्टर का गुणांक होना चाहिए जो होता है 0.81। मतलब दोस्तों जो डोमेस्टिक घरों की वायरिंग का है ये पावर फैक्टर है 0.81 रहेगा। अगला है दोस्तों, यद्यपि किसी विद्युत प्रतिष्ठान का ICTP मेन स्विच मतलब डबल पोल मेन स्विच बंद अवस्था में है तो भी स्विच को संयोजित भार सामान्य रूप से कार्य कर रहा है। इसका कारण है स्विच में L तथा E के बीच भू दोष है। अगला है 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन की को मोटा करने का कारण क्या है, इसका आंसर है दोस्तों अधिक क्षरण या लीकेज धारा वहन कर सके। अगला है दोस्तों, 3 फेज लाइन के परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला स्विच है ICTP। ठीक है दोस्तों, अगला है लघु परिपथ वियोजक का प्रयोग आवश्यक है भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में। अगला है हाई स्पीड स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.75 से लेकर के 1% तक। अगला है दोस्तों,
ड्रिलिंग, ये नहीं, ये तो हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगला वीडियो जल्दी ही लेकर के मैं आता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को आप अच्छे से देखें। कोई कंफ्यूजन हो दोस्तों तो जैसे आप कमेंट कर रहे हैं उस तरह कमेंट करिए दोस्तों। मैं लगभग सभी के कमेंट का जो मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। बाकी जो कमियाँ हों, जो गलतियाँ मुझसे हो रही हों, उसके लिए थोड़ा मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।